भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा। चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ के साथ पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री मिल गया। जिस राज्य में 31.9% हिंदू सिख मिलाकर दलित हों, 31.3% ओबीसी हों और 25% जट सिख हों, वहां ये फैसला सांकेतिक तौर पर बड़ा है। पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तां किसानां नूं अपना गढ़ बढ़ के दे दांगा, लेकिन पंजाब दी किसानी ते आंच नहीं आण देगी, ये किसानां दी सरकार है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस की समस्याएं चन्नी को कमान सौंपने भर से हल हो गई, ये कहना अभी दूर की कौड़ी है। शपथ वाले दिन ही मुख्यमंत्री की रेस में पीछे छूट गए हिंदू चेहरे सुनील जाखड़ ने सियासी बम फोड़ दिया। श्री चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के दिन श्री रावत का ये बयान कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़े जाएंगे हैरान करने वाला है। इससे न केवल मुख्यमंत्री की ताकत कम होगी बल्कि इस पद के लिए उन्हें चुने जाने की दलील को ही फिजूल साबित कर देगा। जाखड़ को पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बयान पर नाराजगी थी। चेहरा कौन होगा ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये काम हमको नहीं करना होता है, लेकिन जो यहाँ के हालात है उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। कांग्रेस के दलित कार्ड की कार्ड ढूंढ रहे विपक्षियों को तो मानो मौका मिल गया। अगर तो कांग्रेस आज ये डिक्लेयर करती है कि आगे जो इलेक्शन होगी 2022 की वो चन्नी साहब की अध्यक्षता में लड़ी जाएगी, यही चेहरा होगा आगे भी, तो फिर तो पता चलेगा फिर कितना को उनको इज्जत दी गई है, कितनी को इज्जत दी गई, नहीं तो वरना तो सारी राजनीति पंजाब की जनता समझती। लगता है कि नाइट बैट्समैन बैट्समैन बना के जड़ा चन्नी नूं जड़ा अगे पेश कीता हैगा, लेकिन कांग्रेस दे मन दे अंदर कुछ होर चल रहा जिन्हों इतिहासिक फैसला कह रहे ने, इतिहासिक फैसला ना होके कांग्रेस दी आपसी कलेश नूं खत्म करन दा एक प्रयास होया। अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है। वैसे कांग्रेस ने ये कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की है कि चुनाव में चन्नी ही चेहरा होंगे और सिद्धू समेत सभी सक्षम नेता अगुवाई करेंगे। खुद जाखड़ भी नाराज नहीं होने की बात कर रहे हैं। आज सारी पार्टी एकजुट है और इसका सर्टिफिकेट जो है वो तो सिर्फ लोग देते हैं, फील्ड में काम देते हैं, इनका वर्कर्स का काम देगा, तो आज मैं समझता हूँ इस किस्म के बयान से बचना चाहिए। हालांकि अभी पूर्व सीएम अमरिंदर के अगले कदम का इंतजार सभी को है। शपथ ग्रहण में न्योता मिलने के बावजूद अमरिंदर समारोह में नहीं पहुंचे थे। हालांकि बाद में खुद चन्नी अमरिंदर से मुलाकात करने के लिए उनके घर गए। कांग्रेस भी अमरिंदर की तारीफों के पुल बांध रही है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद गंवाने वाले अमरिंदर सब भुला पाएंगे, खासकर इसलिए भी क्योंकि उनके खिलाफ बगावत का बैनर थामने वालों में चन्नी भी थे। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।